नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम अजीत। हम देख रहे हैं बीएससी पार्ट वन का फिजिक्स और आज हम यूनिट थर्ड का थर्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम ये जो प्रतिभा है प्रतिभा से हम कर रहे हैं, क्वांटम है इसका, उसके हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं विस्तार से। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, इसका हम एनालिसिस करते हैं और इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। एक तो ये तो डायमेंशंस हो गई, और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गए? डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि अभी देखेंगे हम। पहले क्वेश्चन लिख ले हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस। क्वेश्चन क्या है? ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, अब ये देखेंगे हम। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, ये हम तीन टाइप के लेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन लेंगे हम, कार्टेशियन प्लेन लेंगे हम। दूसरा क्या लेंगे हम? स्फेरिकल लेंगे। स्फेरिकल लेंगे। तीसरा हम क्या लेंगे? सिलेंड्रिकल लेंगे। तो ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। जैसे कि कार्टेशियन में क्या लेंगे हम? डायमेंशन में तीनों डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन क्या लेंगे हम? डायमेंशन तीनों ही लेंगे। तो ये डिफरेंट क्या है? डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट डायमेंशन हमारी तीनों ही रहेंगी। डायमेंशन में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि ये पॉइंट है पी, तो पी के इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। स्फेरिकल में ले लेंगे हम, तो स्फेरिकल को ले लेंगे हम, स्फेरिकल सिस्टम को थ्री डायमेंशन में वाई जेड एक्स। ये पॉइंट हो गया पी हमारा, ठीक है। तो ये हमने स्फेयर ले लिया, इस तरह से स्फेयर ले लिया कोई हमने। ये हमने क्या ले लिया? कोई स्फेयर ले लिया। और इसमें क्या है? सिलेंड्रिकल में हमने सिलेंड्रिकल ले लेंगे। पॉइंट हमारा पी रहेगा, तो पॉइंट हमारा क्या रहेगा? पी रहेगा। ये वाई एक्सेस हो गई, ये जेड एक्सेस हो गई, ये एक्स एक्सेस हो गई। जानते हैं कि ये एक दूसरे से तीनों परपेंडिकुलर पे होती हैं, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। तीनों परपेंडिकुलर कैसे होती हैं? ये जो एक्सेस है ये वाई है, ये जेड है, और एक्स एक्सेस जो वो एक्स एक्सेस जो होगी वो ये होगी। तो ये इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर है, इस तरह से ये तीनों एक्सेस होती हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। सिलेंड्रिकल के लिए हम निकालेंगे, तो हम इस तरह से इस पर सिलेंड्रिकल ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। ये कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो ये हो गए हमारे तीनों सिस्टम। ये हमारा कार्टेशियन हो गया, ये स्फेरिकल हो गया, वो सिलेंड्रिकल हो गया। तो ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप इन तीनों में क्या निकालने वाले हैं हम आज निकालने वाले हैं ग्रेडियंट निकालेंगे, डाइवर्जेंस निकालेंगे, और क्या निकालेंगे हम? कर्ल निकालेंगे। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल हम निकालने वाले हैं। सिंपल है, ग्रेडियंट में क्या है हमारा? ग्रेडियंट क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है? तो कर्ल क्या होता है, पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो किए होंगे उसको ये डिफरेंस पता होगा कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। हम उसकी आज यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इनको, बस इतना जान लेंगे हम कि इनको डिनोट कैसे करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम इतना ही जानेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं जानेंगे हम। तो डाइवर्जेंस कार्टेशियन में क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल है,
ये जो है हमारा डाइवर्जेंस फंक्शन के साथ हो जाएगा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस जो है वो जो डेवर है हमारा, जो डेवर है वो एफ के साथ हो जाएगा फंक्शन के साथ, यानी कि फंक्शन का डेवर ले लेते हैं हम, इसको डेवर बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं इसी को हम। और हम डाइवर्जेंस जब लेंगे तो क्या लेंगे, डाइवर्जेंस वेक्टर बी और वेक्टर ए का ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इस तरह से लेंगे हम। डाइवर्जेंस में क्या निकालेंगे हम, डाइवर्जेंस में हम ये निकालेंगे, सॉरी ये जो है इस तरह से लेंगे, तो ये डॉट वेक्टर ए, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम, इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे डाइवर्जेंस में। सिंपल है, वहां पे फंक्शन लेते हैं, फंक्शन है वो, वहां पे वेक्टर नहीं है, वेक्टर ए नहीं है ग्रेडियंट में, फंक्शन है, फंक्शन का जो है डाइवर्जेंस लिख लेंगे सिंपल तरीके से। और डाइवर्जेंस में क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं वेक्टर के साथ, सिंपल है, डाइवर्जेंस का क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर के साथ। अब इसमें जो है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें डाइवर्जेंस का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस का क्या कर देते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर के साथ, डाइवर्जेंस का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं वेक्टर के साथ, ये है इसमें बस। ये है तीनों में डिफरेंस, डिनोट करने का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे सिंपल फंक्शन को डिनोट कर दिया जाता है डाइवर्जेंस के साथ में, सिंपल सा इतना सा इसमें जो है डिफरेंस है। इसी तरह तीनों डिनोट होंगे, और इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, कार्टेशियन प्लेन के लिए, स्फेरिकल के लिए, और सिलेंड्रिकल के लिए, इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये तीन तरह के, इनके लिए हमें निकालनी है। आई होप ये क्लियर होगा जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही हमको क्या करना है, इतनी चीज़ें हमें निकालनी है। यहाँ पे हम ये जो कोऑर्डिनेट लिए हैं एक्स वाई जेड, ये हम डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, स्फीयर है तो ये हम रेडियस मानेंगे आर, तो उसके हिसाब से ले लेंगे हम कोऑर्डिनेट। और ये क्या है, सिलेंड्रिकल है तो सरफेस मान लेंगे इसकी एस, सरफेस मान लेंगे तो उसके हिसाब से ले लेंगे हम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी इसमें कोई भी ऐसा और कुछ अलग चीज़ है नहीं ऐसी, सिंपल है। कार्टेशियन सिस्टम हो गया, स्फेरिकल पोलर सिस्टम हो गया, और सिलेंड्रिकल पोलर सिस्टम हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका पूरा नाम क्या है, स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिंपल है। इतना सब, इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं लिख रहे हैं हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये लिख सकते हैं हम, लेकिन आप इतना समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों कार्टेशियन सिस्टम में, किसमें, कार्टेशियन सिस्टम में निकालेंगे। तो फर्स्ट हम निकालेंगे कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम, सिस्टम को इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया है, घबराने वाली बात नहीं। कार्टेशियन सिस्टम में सबसे पहले हम देखने वाले हैं, तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या बना लेंगे हम, सिंपल है, वाई जेड एक्स, पॉइंट हमने ले लिया पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वाई जेड, ये हो गए कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या किया, लेट ए पॉइंट पी ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज
सिचुएटेड इन ए 3D फ्रेम। इसमें है एक 3D फ्रेम में रखा हुआ है हमारा, क्या 3D फ्रेम में रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा इधर हटा के बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस, ये रहा पॉइंट पी, ये रहे इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये रहा मूल बिंदु ओ, मूल बिंदु ओ जहां पे कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0, 0, 0। मूल बिंदु किसको कहते हैं जहां पे कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0, 0। तीनों डायमेंशन में 0, 0, 0 जहां पे कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु ओ। लेट ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम इज ओ, मूल बिंदु, और ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बेस 0, 0, 0 कोऑर्डिनेट। ये सब हम थ्योरी बढ़ाने के लिए लिख लेते हैं, बाकी इन सब का कोई मतलब नहीं है, थ्योरी में बताने के लिए, ताकि हमारा जो डिनोशन है वो अच्छे वे में दिखाई दे, तो इसलिए हम थ्योरी में इन चीज़ों को लिखते चलते हैं। बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये इतना कहाँ से लिखा जाएगा, ये सब वही चीज़ है। तो ये हमारा हो गया एक्स कोमा वाई कोमा जेड, हमारा क्या हो गया इसमें एक्स कोमा वाई कोमा जेड हमारा जो हो गया वो कोऑर्डिनेट हो गए, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 हो गए। अब सिंपल है, हम इसमें क्या लेंगे, हम माना डीएल लंबाई का कोई एलिमेंट ले लिया, लेट एन एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल लंबाई का हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे डीएल लंबाई का एक एलिमेंट हमने इसमें मान लिया। और हम क्या करेंगे, तो एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, एलिमेंट का डीएल जो है यानी कि लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, डीएल कितनी होगी, सिंपल है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप हो जाएगा, कितना डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप। ये हम पुराने लेक्चर पे उसमें हम ये सब डिस्कस करते आए हैं, ये बहुत ज़्यादा है जी, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिंपल लिखा ही जाता है थ्री डायमेंशन के लिए वेक्टर फॉर्म में। आई जे के क्या है, एकांक यूनिट वेक्टर हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, किसके लेंथ के, जो एलिमेंट हमने माना है उसकी जो लेंथ डीएल है उसके, ठीक है। इतना समझ में आता है, और हम क्या ले लेते हैं, जो पी पॉइंट है उसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी ले ली हमने, आर। लेट डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट पी फ्रॉम ओ, ओ क्या है, मूल बिंदु है, कितनी ले लेंगे हम, हमने R ले ली, कितनी ले ली डिस्टेंस, हमने R ले ली, तो R के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो देखते हैं हम, R के कोऑर्डिनेट देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने डिस्टेंस कितनी मान लिया, हमने R मान लिए, तो वेक्टर R इक्वल टू कितना होगा, आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप, सिंपल है, वेक्टर आर का आई जे के यूनिट वेक्टर के साथ क्या ले लेंगे हम, एक्स वाई जेड कंपोनेंट,
एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, सिंपल है ये, इतना हो जाएगा ठीक है। तो यदि मान लेते हैं हम कि एक्स डायरेक्शन में आर, एक्स डायरेक्शन में आर जो है हमारा वो एक्स चला है, आर वाई डायरेक्शन में आर जो है वो वाई, और आर जेड डायरेक्शन में आर, जेड डायरेक्शन में आर कितना है वो है जेड, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये रहा ओ जिसके पॉइंट है 0.0, ये क्या हमारा मूल बिंदु, और ये क्या है हमारी डिस्टेंस यहां से यहां तक की आर, जो हमने मानी है अभी ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट हमने यहां निकाल के रख लिए आर, और ये कौन सा है पी पॉइंट है, तो दोनों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण, यानी कि इक्वेशन इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ओ एंड पी, ये रहे टू पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी का समीकरण हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण, एक्स टू माइनस का एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस का वाई वन का स्क्वायर, जेड टू माइनस का जेड वन का स्क्वायर, ये इस तरह से होता है कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमने इसको हमने क्या ले लिया, ये हमारे x, y, z हैं, तो ये हमने क्या मान लिया, ये x1 मान लिया, ये हमने y1 मान लिया, ये हमने z1, ये हमने x2 मान लिया, ये हमने y2 मान लिया, ये हमने z2 मान लिया, तो कितना आ जाएगा r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, आप ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, सिंपल सी बात ये है। तो आर का मान आ गया हमारे पास, आर का वैल्यू आ गया ठीक है, जो डिस्टेंस थी उसका वैल्यू हमारे पास आ गया, आर का वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो आर जो है हमारा कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को वेक्टर लिख के इसका मोड लगा के हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ही हो गया इसका, और ये भी क्या है मैग्नीट्यूड ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों मैग्नीट्यूड होती हैं, मोड लगा देते हैं तो मैग्नीट्यूड बन जाता है। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, आर यूनिट वेक्टर कितना होता है, वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मोड, क्या हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मोड, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा तो तभी तो हमारा यूनिट वेक्टर बन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये इस तरह से हो जाता है यूनिट वेक्टर हमारा, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसका क्या है, इसका हमने एलिमेंट जो था लेट स्मॉल एलिमेंट लेट वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ये लेट तो हम पहले ही कर चुके हैं तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा हमारा dB, क्योंकि हमने लेंथ कितनी मानी थी dl मानी थी, लेंथ हम पहले मान चुके हैं dl, अब हमने इसका जो है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम निकाल लिया, तो वॉल्यूम डी बी हो जाएगा, सिंपल है इसका डी बी हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एंड लेंथ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट इक्वल टू कितनी थी डीएल थी, तो ये तो हम क्या कर चुके थे ऑलरेडी लेट कर चुके थे, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ग्रेडियंट, और आर हमारे पास आ ही गया है, अब हम ग्रेडियंट निकालें, डीएल हमारी कितनी थी
डी एल इक्वल टू कितना था हमारा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप, यानी कि लेंथ इन एक्स डायरेक्शन विद यूनिट वेक्टर, लेंथ इन वाई डायरेक्शन विद यूनिट वेक्टर, लेंथ इन जेड डायरेक्शन विद यूनिट वेक्टर। सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक होनी नहीं चाहिए किसी को भी। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम करते हैं अब ग्रेडियंट इसका क्या निकालते हैं। हमें तीन चीजें निकालनी है वैसे भी, क्या क्या निकालनी है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ये क्या होता है, ये सिंपल होता है, इसमें डॉट होता है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ये सिंपल होता है। तो हम फर्स्ट क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट। तो अब हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट ये हो गया, ग्रेडियंट क्या है, फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। क्या लिख देते हैं, चलो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एफ। तो हम एफ का क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा एफ एक्स वाई जेड जो है हमारा क्या है, फंक्शन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट का साइन लगा लिया, और हम क्या करेंगे, सिंपल है, इसमें कुछ हमें करना नहीं है, डायरेक्ट जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू हमें रख देनी है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेवर ओवर डेवर एक्स, डेवर ओवर डेवर वाई, डेवर ओवर डेवर जेड, सिंपल है, इतना ही लिख देना है हमें। क्या लिख देना है, डेवर ओवर डेवर एक्स आई कैप, डेवर ओवर डेवर वाई जे कैप, डेवर ओवर डेवर जेड के कैप, और ये क्या हमारा एफ है, क्योंकि हमारा कैसा है, अदिश फंक्शन है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का है। तो हम इसका निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, डेवर एफ ओवर डेवर एक्स आई कैप, डेवर एफ ओवर डेवर वाई जे कैप प्लस का डेवर एफ ओवर डेवर जेड, और क्या आ जाएगा हमारा के कैप, या इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू जेड विद यूनिट वेक्टर, उनके जो यूनिट वेक्टर हैं वो आ जाएंगे साथ में। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये हमने स्केलर माना है, तो हम इस पे वेक्टर लगा देंगे और ये हमारा जो है स्केलर हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा ग्रेडियंट, क्या आ गया, ग्रेडियंट। अगर यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट P होता तो P का पॉइंट P है तो पी पी मान लेंगे, यहाँ पे उसका फंक्शन अगर हम P ले लेंगे तो जो भी फंक्शन हम ले लेंगे उसका कोऑर्डिनेट का, तो कोऑर्डिनेट के जो भी फंक्शन हम लेंगे, तो ये फंक्शन क्या है हमारा, वेरी करता है किसमें, कभी एक्स डायरेक्शन में, कभी वाई डायरेक्शन में, कभी जेड डायरेक्शन में, तो वही फंक्शन है ये, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट। अब हम क्या निकालने वाले हैं, ग्रेडियंट के बाद हम कार्टेजियन के लिए निकालेंगे क्या, डाइवर्जेंस। अब हम निकालेंगे नंबर दो, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, हमने जो माना था उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लिख लेंगे। डाइवर्जेंस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो हमारा बी एक्स में आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। वॉल्यूम का फंक्शन ये हो जाएगा हमारा, बी जेड जे कैप, ये हो गया।
और बाकी हम क्या करेंगे, हम अब हम इसका डाइवर्जेंस निकाल लेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी हम निकालेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम लगाएंगे डेवर एक्स आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड ए कैप और हम बी का लिख लेंगे क्या डॉट प्रोडक्ट के साथ बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड ए कैप। क्योंकि हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं चूंकि आई डॉट आई बराबर वन के डॉट के बराबर वन जे डॉट जे बराबर वन और क्या जानते हैं हम आई डॉट जे बराबर जीरो जे डॉट के बराबर जीरो के डॉट आई बराबर जीरो। तो ये हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में, तो क्या आ जाएगा हमारा डी वी एक्स ओवर क्या आ जाएगा हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है इतना आ जाएगा, सिंपल है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस आई डॉट आई वन हो जाएगा बी वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बी वॉल्यूम इन जेड डायमेंशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, ये हो जाएगा सिंपल हमारा। तो इसका आई होप कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ये निकल आया डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस आ गया हमारा, ठीक है ये डाइवर्जेंस हमारा आ गया। अब चूंकि ये डाइवर्जेंस आ गया तो हम इसको जो है इसका कर्ल निकालेंगे, कर्ल रह गया है कर्ल, अब हम इसका कर्ल निकालते हैं। कर्ल निकालेंगे तो कर्ल में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सिंपल कर्ल में क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, या इसको हम क्या मान सकते हैं वेक्टर ए मान सकते हैं, ठीक है इसको हम वेक्टर ए भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं वेक्टर ए भी मान सकते हैं, लो हम वेक्टर ए ले ले रहे हैं, वेक्टर ए ले ले रहे हैं हम, हमने ये क्या मान लिया था पहले वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे जो है एक चीज के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम बोला यहाँ पे, ये वॉल्यूम नहीं होगा, इसको हम क्या ले लेंगे ये वेलोसिटी या फिर हमारा बी कोई भी फंक्शन हम वेक्टर फंक्शन ले लेंगे इसको, क्योंकि वॉल्यूम हमारा किस में आएगा स्फीयर में आएगा या फिर हमारा किस में आएगा सिलेंडर में आएगा। तो सिंपल है इसको हमने क्या ले लिया क्रॉस ले लिया कर्ल को, कर्ल वाले में क्रॉस आ जाएगा, अब क्रॉस आ जाएगा तो सिंपल है इसकी वैल्यू रख देंगे हम आई जे और इसकी वैल्यू रख देंगे हम कितना ए एक्स आई ए वाई जे प्लस का ए जेड की और ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं आई जे के प्लस माइनस प्लस ये साइन चलते हैं हमारे और फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, फिर हम ले लेंगे वो फंक्शन जिसका हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कर्ल, ये हमारा कर्ल हो गया। प्रीवियस ईयर के लेक्चर जो सॉरी प्रीवियस जो लेक्चर हैं इससे पहले वाले
उनमें ये बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स से सॉल्व होता है, और मैट्रिक्स का फॉर्म हमने यहाँ पे लिख लिया है, सिंपल है, इससे ये सॉल्व हो जाएगा। और बाकी जो भी है सॉल्व करके आएगा, वो कैसा होता है सॉल्व, ये छिपा लेंगे, आई के साथ लेंगे तो इन इनकी क्रॉस मल्टीपल हो जाएगी, माइनस माइनस इसकी हो जाएगी, जब इसका लेंगे जे का माइनस का जे, तो वो हमने आगे बताया है, लिख देते हैं। चलो क्रॉस ए, तो सबसे पहले क्या था हमारा आई था, आई के साथ हम क्या करेंगे, जो आई वाली लाइन है वो छुपा लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इधर क्या था हमारा ए जेड अपन कितना आ जाएगा, वो जो टेबल थी वो टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल बनानी पड़ेगी, तो चलो लिख देते हैं, ए जेड आएगा किसके रेस्पेक्ट में, इधर बाई था आई थी, और माइनस का इधर कितना आ जाएगा, लास्ट में था हमारा, इधर आएगा ए बाई, और यहाँ पे आ जाएगा जेड, और ये माइनस का जे कैप आ जाएगा। तो जे वाले में कौन सा आएगा, डेवर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए का एक्स, एक्स वाला आएगा, नहीं 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 ए का आएगा, ए का आ जाएगा जे वाला हम छुपा रहे हैं, तो ए का जेड, ए का आ जाएगा हमारा कौन सा, जेड वाला, ए का जेड वाला आएगा, एक सेकंड, ए का हमारा आ जाएगा एक्स वाला, और ये कौन सा आएगा, जेड वाला। ये सिंपल है, इससे देख के हम लिख लेंगे, इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है, माइनस प्लस ये है, ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ से हम लिख सकते हैं आसानी से। जे वाला हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका इसके साथ हो जाएगा, ये आ गया माइनस का ए जेड आ जाएगा, और माइनस का ए एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स किसके साथ आ जाएगा, ये जेड वाले के साथ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का के, के वाला आ जाएगा। के वाले में कौन सा छुपा लेंगे, के वाले में हम छुपाएंगे ये वाला, तो इसके साथ इसकी मल्टीपल हो जाएगी, ए वाई अपॉन, और माइनस का कौन सा हो जाएगा, ए एक्स अपॉन, ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका कर्ल हो गया फर्स्ट वाले का। अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, सेकंड वाला, सेकंड हमारा क्या था, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या था, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेंगे हम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल है, एक हम मान लेंगे कोई बिंदु P, लेट पॉइंट P इज सिचुएटेड, ये तो आप लिख ही लेंगे, पुरानी वाली लाइन है, ये कितना है बाई, ये कितना है जेड, और ये कितना है एक्स, ये समझ लीजिए अब अच्छे से। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट मान लिया हमने P, और डिस्टेंस कितनी मान ली उसकी R, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने मान लिए हमने, हम इसमें एंगल लेंगे, एंगल कितना लेंगे हम, हम एंगल लेंगे थीटा, यानी जेड एक्सिस से एंगल लेंगे हम कौन सा, थीटा, ठीक है, जेड एक्सिस से हमने एंगल ले लिया थीटा,
और हम बाई एक्सिस पे कौन सा एंगल लेंगे, एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल लेंगे, हम फाई एंगल लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर, तो हमने क्या ले लिया, फाई एंगल, ये हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो जो इस पे इधर से परपेंडिकुलर आ रहा है, इस पे एक परपेंडिकुलर और डाल दिया, एंगल दोनों का सेम ही रहेगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एंगल सेम लगा के, और फिर हमने एंगल मान लिया उसका एक्स से फाई, तो फाई एंगल हमने ले लिया इसका। तो लेट पी इज ए पॉइंट, और पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट, लेट पॉइंट पी हैव स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कितने हैं पॉइंट पी के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कितने, पहला हमने आर माना, दूसरा हमने क्या माना थीटा, और तीसरा हमने मान लिया फाई, आर थीटा फाई हमने इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मान लिए, क्या आर थीटा फाई, आर कॉमा थीटा कॉमा फाई, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्फेयर की बात हो रही है, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो यहां से समझ लीजिए, ऐसे करके कुछ स्फेयर होगा, ये स्फेयर, स्फेयर की बात हो रही, चूंकि 3D डायग्राम यहाँ पे बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, स्फेयर स्फेयर के चक्कर में ज्यादा पड़ते नहीं, तो वो इस तरह से स्फेयर कुछ होगा, ठीक है, और उसकी ये जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी उसकी आर, तो इस तरह से ये डायग्राम है 3D में, बाकी आप समझ लीजिए इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कितने हो गए पॉइंट पी के, आर थीटा फाई हमने मान लिए, आर कॉमा थीटा कॉमा फाई मान लिए हमने, ठीक है। तो थीटा क्या है, जेड एक्सिस से बना कोण, वेयर थीटा इक्वल टू जेड एक्सिस से बना एंगल, एंड फाई इक्वल टू एक्स एक्सिस से बना एंगल। सबसे पहले इतनी बात क्लियर है कि फाई जो है वो एक्स एक्सिस से बना एंगल है, थीटा जो है वो जेड एक्सिस से बना एंगल है, और कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट पी के वो आर कॉमा थीटा कॉमा फाई है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या लिया था, आर पॉइंट पी, आर कॉमा थीटा कॉमा फाई लिए थे, और ये हमारी क्या थी, एक्स एक्सिस थी, ये हमारी जेड एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, हमने क्या किया था, यहाँ पे एक लंब डाल दिया था, और ये एंगल फाई हो गया था हमारा, ये एंगल कितना हो गया था, थीटा हो गया था, सिंपल है, ठीक है। तो और ये जो पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट क्या था, ओ पॉइंट था हमारा, ये ओ पॉइंट है, क्या है, ओ पॉइंट मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या है हमारा, मूल बिंदु ओ है, मूल बिंदु क्या है हमारा, ओ है, एंड मूल बिंदु ओ। अब हम, अब देखने की बात है कि अब हम इसमें करते क्या हैं, तो R है, ठीक है। अब R का जो कंपोनेंट है X डायरेक्शन में कितना होगा, X के लिए R जो है वो कितना होगा, X के लिए डायग्राम से हमें ये देखना है, R के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो R है वो इस वाली लाइन पे कितना आएगा, आर इस वाली लाइन पे कितना आएगा, देखिए सिंपल सी बात है, आर जो है वो इस पे, आर यहाँ पे कहीं होगा, ये है हमारा क्या, एक्स वाई और जेड, और आर कहीं यहाँ पे होगा, तो आर जो है वो कहाँ पे है, आर, आर का ये वाला
कंपोनेंट इसमें जब जाएगा आर तो कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा, किसमें आ जाएगा, आर साइन थीटा में आ जाएगा, क्योंकि आर थीटा किससे बना रहा है, जेड एक्सिस से, एक्स एक्सिस से तो बना नहीं रहा है, और तीनों एक्सिस अपने आप में परपेंडिकुलर हैं, सॉरी जब तीनों एक्सिस अपने आप में परपेंडिकुलर हैं और आर जेड से थीटा बना रहा है, तो केवल जेड वाली लाइन पर आर किसमें जाएगा, कॉस में, बाकी लाइन पे किसमें जाएगा, साइन में। फ्रेंड्स बाकी लाइन पे साइन में डिजोल्व होगा, आर को हम डिजोल्व कर रहे हैं, तो आर कहाँ पे है, आर यहाँ भी डिजोल्व हो सकता है, यहाँ पे भी डिजोल्व हो सकता है और यहाँ पे भी डिजोल्व हो सकता है। आर को जब हम डिजोल्व करेंगे तो वो दोनों प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में और वाई एक्स प्लेन में, दोनों में डिजोल्व हो सकता है, क्योंकि ये तीनों जेड एक्स और वाई जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा समझ लीजिए ये है, और ये क्या है, आर हमारा ये है, ये लाइन है, तो आर को जब हम इधर डिजोल्व करेंगे तो किसमें जाएगा हमारा, तो हमारा जब हमारा आर ये है और इसका इस वाली लाइन से इस तरह से आर ये है, इस वाली लाइन से केवल एंगल थीटा है, तो जब हम इसको इधर डिजोल्व करेंगे तब भी साइन में जाएगा, और जब हम इसको इधर डिजोल्व करेंगे तब भी साइन में जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आर साइन थीटा आ गया, आर को हमने डिजोल्व किया, आर साइन थीटा आ गया, ये है आर और ये एंगल है थीटा, और इस पे कितना आएगा, आर साइन थीटा, और ये क्या है, एक्स एक्सिस, हमने ये यहां से चित्र ले लिया, उठा लिया, यहां का डायग्राम हमने यहां पे उठा लिया, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लो, ये है एक्स एक्सिस, ये है R, और ये कौन सी एक्सिस है, Z एक्सिस, तो R को जब हम इस पे लेंगे तो कितना आएगा, R साइन थीटा, तो वही है ये R साइन थीटा, ठीक है। और ये कितने का एंगल है, ये है 90 का एंगल, ठीक। तो ये R साइन थीटा कौन सा है, यही वाला डायग्राम दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा सा X की डायमेंशन में X लेकर, चूंकि Z उधर है, Z को हम ऐसे मान लेंगे, जेड जो है हमारा थ्री डी डायग्राम है ये, तो थ्री डी डायग्राम में हम जेड को दिखा ही नहीं सकते खड़ा करके, एक्स को दिखा ही नहीं सकते हैं, दिखाएंगे वैसे ही समतल प्लेन में ही, तो आर साइन थीटा ये समझ में आ गया होगा, आई होप कैसा आया आर साइन थीटा, ठीक है। अब हम ले लेंगे फाई, फाई वाला कंपोनेंट, अब हमें देखना है फाई वाला कंपोनेंट, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में हमारा जो आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा, कॉस फाई, कॉस फाई इक्वल टू कितना होगा, कॉस फाई, कॉस फाई इक्वल टू कितना होगा, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos phi परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse से क्या हो जाएगा हमारा, cos phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन r sin theta, x अपॉन r sin theta, x अपॉन r sin theta हो जाएगा, ठीक है। तो x अपॉन r sin theta जब हो जाएगा तो ये x बराबर कितना आएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई आ जाएगा। कैसे आया ये कॉस फाई इक्वल टू एक्स अपॉन आर साइन थीटा, ये रहा कॉस फाई, तो कॉस फाई इक्वल टू कितना है, कॉस फाई इक्वल टू ये कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, ये रहा फाई और ये रहा हमारा आर साइन थीटा, ये r साइन थीटा रहा और क्या रहा हमारा, और ये रहा हमारा x, x यहाँ पे कहीं भी होगा, और इस तरह से हमारा आ जाएगा cos phi इक्वल टू, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इसको ज़्यादा जो है, अगर इसको बहुत ज़्यादा खोल के अगर डायग्राम को बनाया जाएगा, इसी में अगर चीज़ें लिखी जाएंगी, तो cos phi इक्वल टू कितना हो गया हमारा,
लंब बटे कर्ण से हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई आ जाएगा, क्योंकि फाई है तो कॉस फाई भी मिलेगा हमारा एक्स वाले कंपोनेंट में, यहाँ पे कितना मिलेगा कॉस फाई मिल जाएगा हमें, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही बाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, जब डिजोल्व करेंगे आर को बाई डायरेक्शन में, तो बाई डायरेक्शन में ये आर कितना डिजोल्व होएगा, साइन थीटा में डिजोल्व होएगा, आर किस में होगा, साइन थीटा में डिजोल्व होगा आर। बाई डायमेंशन में भी, क्योंकि बाई डायमेंशन से भी थीटा कनेक्ट नहीं है, तो साइन थीटा में जाएगा, फाई भी कनेक्ट नहीं है बाई डायमेंशन से, बाई से ना तो थीटा कनेक्ट है और ना ही बाई से फाई कनेक्ट है, ठीक है। ये रहा बाई, तो दोनों का कितना आएगा, दोनों का कितना कंपोनेंट, साइन थीटा और साइन फाई, दोनों साइन में जाएंगे, किसमें, दोनों साइन में जाएंगे, ये साइन भी फाई में मिलेगा बाई वाली पे, और ये थीटा भी साइन थीटा में मिलेगा बाई वाली पे, क्योंकि बाई से कनेक्टेड ही, जिससे कनेक्ट होते हैं उसमें कॉस में मिलते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बाई इक्वल टू साइन थीटा साइन फाई आ गया, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये पुराने लेक्चर में बहुत विस्तार से समझाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम हमारा इतना टिपिकल 3D डायग्राम है कि उसको समतल प्लेन पर समझाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इसको हम इस तरह से देख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब जेड डायरेक्शन में कितना होगा, आर कॉस थीटा, जेड डायरेक्शन में कितना होगा, आर कॉस थीटा, जेड डायरेक्शन में जो डिजोल्व होगा इसका वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि चूंकि जेड डायरेक्शन से बना हुआ है आर, थीटा क्या है, ये आर वाला, आर वाली लाइन है ये, तो थीटा क्या है हमारा, इससे बना हुआ है, तो इसी इसी डायमेंशन में कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। और जो पहले वाला डायग्राम था वो वाला भी ऐसे ही आएगा हमारा, जेड हो गया, तो सॉरी एक्स, जेड हो गया, बाई हो गया, आर हो गया, फाई हो गया, थीटा हो गया, एक्स जेड, तो इसमें भी हमारा क्या था, आर साइन थीटा कॉस फाई था, आर साइन थीटा कॉस फाई कैसा आ जाएगा हमारा, एक्स वाली लाइन पे, एक्स वाली लाइन पे आर साइन थीटा कॉस फाई थी, फाई वाला कॉस में जाएगा, फाई वाला कंपोनेंट किस में जाएगा, कॉस में जाएगा, कॉस फाई में जाएगा फाई वाला, क्योंकि कनेक्टेड है एक्स वाले से, और थीटा वाला किस में जाएगा, साइन में जाएगा, क्योंकि थीटा कनेक्ट नहीं है, तो थीटा किस में जाएगा, थीटा एक्स वाली डायमेंशन पे साइन में जाएगा, और फाई किस में जाएगा, फाई कॉस में जाएगा, सिंपल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आते कैसे हैं ये, इस तरह से आते हैं, ये चीज हटा लीजिए, ये भी बहुत कंफ्यूजन करेगी कर्ण लंब वाली, सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी चीज को डिजोल्व करते हैं थीटा बना है, तो इधर ये कॉस थीटा में जाएगा, ये मान लो ए है, तो ये इधर ए कॉस थीटा में जाएगा, और इस पे ए साइन थीटा में जाएगा। अब इसी वाले रूल का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, एक्स एक्स के लिए इसमें हुआ है इम्प्लीमेंटेशन, और बाई के लिए किसमें हुआ है, साइन फाई साइन थीटा, बाई के लिए ये वाला इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और ये किसके लिए हो रहा है, जेड के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में हमें मिल गए, जेड में आर कॉस थीटा मिल गया, बाई में साइन थीटा साइन फाई मिल गया, एक्स में आर साइन थीटा कॉस फाई मिल गया। आई होप ये क्लियर होगा। बाई में कितना मिल गया हमें, आर साइन थीटा साइन फाई, बाई में हमें कितना मिल गया, आर साइन थीटा साइन फाई, तो इस तरह से है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि हमारा आर जो है, आर की लिमिट जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक होगी, आर जो है हमारा वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाएगा, और थीटा हमारा कहां से कहां तक होगा, थीटा हमारा ये है,
भाई हमारा ये थीटा हमारा 0 से लेके पाई तक हो जाएगा, 180 तक हो जाएगा। और हमारा फाई कितना हो जाएगा, फाई हमारा 0 से लेके 2 पाई तक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायमेंशंस तीनों हमारी किस में है, परपेंडिकुलर में है एक दूसरे से। तो थीटा ये जो हमारा कितना हो जाएगा, 0 से पाई तक हो जाएगा थीटा, पाई 0 से 2 पाई तक हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो 3D डायग्राम में यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, ये 3D डायग्राम के अंदर की बात है। जैसे कि जो हमारा स्फेयर होगा तो एक फंक्शन मूव करेगा यहां से लेकर यहां तक, ऐसे समझ लीजिए। तो ये कितना हो गया पाई, यहां से लेकर यहां तक ये पाई हो गया। दूसरा फंक्शन कितना मूव करेगा हमारा, दूसरा फंक्शन मूव करेगा यहां से लेकर यहीं तक के लिए, ये कितना हो गया हमारा 2 पाई, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट होकर यहीं खत्म हो जाएगा। तीसरा फंक्शन हमारा क्या होगा, एक हमारा 0 से इन्फिनिटी तक। अब आर है हमारी, आर सीधी कहीं तक भी जा सकती है, इनफाइनाइट तक 0 से। तो ये भी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा आई होप कि ये कैसे ले गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इस पे, इसके ग्रेडियंट पे और डाइवर्जेंस पे। तो स्फेरिकल में हम क्या, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्फेरिकल के लिए हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो आप याद कर लीजिए, सिंपल फॉर्मूला है एक ग्रेडियंट का, कॉमन फॉर्मूला है। क्या है ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है, वो है 1/H1 H2 H3 पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, कितना पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट का विद रेस्पेक्ट टू आर। और कितना हो जाएगा आई कैप, आई कैप हो गया हमारा स्फेरिकल के लिए है ये हमारा, ठीक है। ग्रेडियंट हमारा सिंपल है। और दूसरी चीज हमारी कितनी हो जाएगी, तो स्फेयर के लिए ग्रेडियंट हमारा कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट हमारा हो जाएगा कार्टेशियन के लिए H1 H2 H3, ये हमारा क्या है, ये हमारा डाइवर्स, सॉरी ये डाइवर्जेंस हमारा। इसका ग्रेडियंट हम निकाल चुके हैं क्या, इसका ग्रेडियंट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इसका ग्रेडियंट नहीं, ग्रेडियंट अभी नहीं निकाला है हमने। तो इसका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों के लिए फॉर्मूला, कर्ल के लिए फॉर्मूला कितना है, डाइवर्जेंस के लिए कितना है और ग्रेडियंट के लिए कितना है इसका, स्फेयर का, स्फेयर का हम देख रहे हैं। तो स्फेयर, स्फेयर का ग्रेडियंट के लिए सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कितना, आई कैप हो जाएगा, ठीक है, जे कैप हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ये हमारा सिंपल रहेगा क्योंकि तीनों हमारे ऐड होंगे सिंपल, तो तीनों हमारे क्या हो जाएंगे ऐड, चूंकि हमने क्या लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट, हमने क्या लिए हैं आर थीटा और फाई लिए हैं, कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए आर थीटा और फाई। तो एक्स की जगह कितने हो जाएंगे आर, कितने हो जाएंगे सिंपल है थीटा, जो कोऑर्डिनेट लिए हैं वो हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे कोऑर्डिनेट फाई। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को आई होप। कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमने लिए हैं चेंज करके वही हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है।
तो कोऑर्डिनेट हमारे वही हो गए। अब हम निकाल किसका रहे हैं, क्योंकि ग्रेडियंट निकाल रहे हैं हम, तो ग्रेडियंट में कोई भी वेक्टर हम ए ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए आर ए थीटा ए फाई, इस तरह से हो जाएगा हमारा ए आर ए थीटा और ए फाई हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना आ जाएगा वन अपॉन आर साइन थीटा। अब ये जो चीज है ये कहाँ से आई, वन डॉट वन अपॉन आर साइन थीटा, ये कहाँ से आई इनके साथ, ये तो फॉर्मूले से परिचित होंगे आप पार्शियल डिफ्रेंसिएशन वाले, तो ये कहाँ से आई। इसके लिए एक टेबल है जो तीनों, इसीलिए डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट तीनों एक साथ लिखे हैं, क्योंकि एक टेबल है उसको आप लर्न कर लेना, उससे बहुत ही इजी हो जाएंगी चीज़ें, और सिंपल इसमें पुट कर देना। सिंपल क्या करना है, टेबल से पुट कर देना है। तो टेबल क्या है, टेबल हम यहाँ बना लेते हैं। तो टेबल में सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम देखिए L1, L2, L3 हम क्या ले लेते हैं इसका कार्टेशियन के लिए, कार्टेशियन स्फेरिकल सिलेंड्रिकल। कार्टेशियन के लिए कितना लेंगे हम, 1 1 1 वैल्यू ले लेंगे हम, 1 1 1 वैल्यू हो जाएगी कार्टेशियन के लिए। किसकी वैल्यू है ये जो स्टार्टिंग में मल्टीपल हो रहे हैं, ये क्या है हमारे H1, H2, H3, हमने क्या मान लिया इसको H1, H2, H3, ये है। तो कार्टेशियन के कितने होते हैं, ये 1 1 1 हो जाते हैं। स्फीयर के लिए कितने होते हैं, ये स्फीयर के लिए 1 1 1 नहीं होंगे, स्फीयर के 1 r साइन थीटा होंगे, कितने 1 r साइन, ये आ नहीं पा रहे हैं चूंकि यहाँ पे r साइन थीटा, 1 r साइन थीटा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1 r साइन थीटा। सिलेंडर के लिए कितना हो जाएंगे 1 s 1, इस तरह से हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें क्या सरफेस ले ली होती है, तो 1 r साइन थीटा, 1 1 1 कार्टेशियन में हो जाएंगे, 1 s 1 इसमें हो जाएंगे। और चूंकि इनके हमने वो क्या लिए थे, इसके हम वो जो लेते हैं कोऑर्डिनेट, तो इसमें हमने कोऑर्डिनेट कितने सिंपल लिए थे, एक्स वाई जेड, और इसमें कोऑर्डिनेट क्या लिए थे हमने आर थीटा फाई, ये कोऑर्डिनेट लिए थे हमने इसके लिए। और सिलेंडर के लिए कोऑर्डिनेट कितने मानते हैं हम, एस फाई जेड, एस फाई जेड, ये सिलेंडर के लिए कोऑर्डिनेट मानते हैं हम। मेन चीज है ये याद करनी है, ये वैल्यू किसकी है एच की, H1, H2, H3 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये सभी वैल्यू किसकी है, ये H1, H2 और H3 की वैल्यू है, किसके लिए, कार्टेशियन के लिए, स्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए। इतनी सी बात याद रखनी है कि कार्टेशियन के लिए H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू 1 कार्टेशियन के लिए, और H3 की वैल्यू भी 1 होती है। स्फीयर के लिए H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू r, H3 की वैल्यू r साइन थीटा। सिलेंडर के लिए H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू s, H3 की वैल्यू 1 होती है। सिंपल, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो है हम इसमें पुट कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन H2 1 अपॉन H3,
ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने वन अपॉन एच वन की जगह वन रख दिया, वन अपॉन एच टू की जगह भी वन रख दिया, वन अपॉन आर, एच टू की जगह कितना आ गया वन अपॉन आर आ गया हमारा, वन अपॉन एच थ्री की जगह कितना आ गया वन अपॉन आर साइन थीटा आ गया, ठीक है ये आ गया हमारा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है डाइवर्जेंस के लिए, डाइवर्जेंस के लिए फॉर्मूला ये होता है वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, एक सेकंड इसको बहुत ज्यादा मिक्सअप हो रहा है ये, इसको थोड़ा अलग अलग करके निकालें क्या, चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहीं पे निकाल देंगे। तो ये कितना होगा आर, आर के साथ एच वन एच टू और ए वन जो हम वेक्टर निकाल रहे हैं, सॉरी एच टू एच थ्री ए वन थीटा हो जाएगा, एच थ्री एच वन ए टू देवा कितना है लास्ट वाला हमारा प्लस फाई एच वन एच टू ए थ्री, ये जनरल फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस का। जनरल फॉर्मूला क्या होता है डाइवर्जेंस का, जनरल फॉर्मूला ये हुआ। डाइवर्जेंस का जनरल फॉर्मूला ये होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हम डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में, डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगी वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, एच टू एच एच टू एच थ्री कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा ए आर, ए वन कितना है ए आर प्लस का एच थ्री एच वन कितना हो जाएगा एच थ्री एच वन आर साइन थीटा प्लस का ये इसके यहां लगा हुआ है सफिक्स में, ये कितना हो जाएगा एच वन एच टू, एच वन एच टू हो जाएगा हमारा आर, क्योंकि एच एच थ्री एच वन था एच वन और एच टू आर हो जाएगा। ये आ गई हमारी डाइवर्जेंस इक्वेशन, ये डाइवर्जेंस आ गया हमारा किसका स्फेयर का, ये हमारा स्फेयर का डाइवर्जेंस आ गया। ये होता है हमारा स्फेयर का डाइवर्जेंस, ये टेबल अगर याद कर ली तो बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइवर्जेंस हो गया, अब हम क्या निकालेंगे कर्ल निकालेंगे, कर्ल कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री आर आ जाएगा, और कितना था हमारा आर थीटा और फाई, ये जनरल फॉर्मूला है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा आर आर फाई और जेड, जनरल फॉर्मूला क्या है आर आर थीटा और आर साइन थीटा, आर आर थीटा आर साइन थीटा,
आर आर थीटा आर साइन थीटा, ठीक है, आर आर थीटा आर साइन थीटा, यानी कि फाइ, और एकांक वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारा आई और यहाँ पे कितना आ जाएगा यूनिट वेक्टर आर के साथ जे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, आर आर ए आई यूनिट वेक्टर, आर जे यूनिट वेक्टर, आर साइन थीटा के यूनिट वेक्टर, और ये वैल्यू किसकी है, एच वन कितना होता है हमारा वन, एच टू कितना होता है आर, एच थ्री कितना होता है आर साइन थीटा, किसके लिए है ये वैल्यू है स्फेयर के लिए, किसके स्फेयर के लिए। तो ये एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू रख दी है हमने, क्या होता है वैसे हमारा एच वन आई कैप, एच टू जे कैप, एच थ्री के कैप। जनरल फॉर्मूला हम एच के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम, एच वन आई कैप, एच टू के कैप, एच थ्री एच टू जे कैप और एच थ्री के कैप, इस तरह से कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा थीटा, ये कितना आ जाएगा हमारा फाई आ जाएगा। सही है, सिंपल है हमारा ये। और नीचे कितना आ जाएगा हमारा, वहां पे भी हमारा एच वन एच टू के साथ आ जाएगा, एच वन ए आर एच टू ए थीटा और एच थ्री ए फाई, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला जो याद रखना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या करेंगे हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू वहां से पुट करेंगे, कितना आ जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आई कैप, और इधर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आर जे कैप, यहाँ पे पुट करेंगे एच थ्री की वैल्यू तो कितना आ जाएगा आर साइन थीटा के कैप। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा पूरा टॉपिक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वही रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू फाई। अब ये कितना आ जाएगा एच वन ए आर, एच वन कितना है हमारा वन तो ए आर ही रहेगा, एच टू कितना है हमारा आर और कितना आ जाएगा ए टू कितना है हमारा थीटा, और ये कितना है हमारा आर साइन थीटा, और ए थ्री कितना है हमारा ए फाई माना है हमने। सिंपल ये आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको उसी वाले रूल से सॉल्व करना है जिसमें पुराने जिससे हमने पुराना वाला सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आगे का प्रोसेस बहुत ही इजी है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लेकर सॉल्व कर लेंगे। इसको करेंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको इसका करेंगे जे कैप का, इसको छुपा लेंगे इन दोनों का, वो सब पिछले वाले में बता चुके हैं। ठीक है, तो ये किसका हो गया कंप्लीट हमारा, ये हो गया हमारा स्फेयर का। अब स्फेयर का कर्ल डाइवर्जेंस और हमारा जो ग्रेडियंट है तीनों क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, सिलेंडर की। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप कुछ जाने वाले हैं नहीं क्योंकि हमने स्फीयर में चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली हैं। तो इसके लिए हम एच वन एच टू की वैल्यू लिख लेंगे, एच वन इक्वल टू कितना माना हमने वन, एच टू इक्वल टू कितना एस, एच थ्री इक्वल टू कितना माना हमने वन, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सिंपल से हम ग्रेडियंट का जनरल फॉर्मूला लगा देंगे, और फिर हम लगा देंगे इसमें किसका, डाइवर्जेंस का, और फिर हम लगा देंगे कर्ल का। तो सिलेंड्रिकल के लिए
देखना चाहें तो एक बार ये सब चीजें देख लीजिए। एक्स ये पॉइंट पी है, तो सिलेंड्रिकल लिया है हमने, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में पॉइंट पी हमने ले रखा है। डिस्टेंस कितनी ली है आर, पॉइंट पी ये रहा हमारा, ठीक है भाई। सब लिखा जाएगा लेट पॉइंट पी, है ना, लेट पॉइंट पी लिखेंगे हम भाई सब। और हम क्या लिखेंगे, हैव कोऑर्डिनेट, लेट पॉइंट पी हैव कोऑर्डिनेट इक्वल टू कितना माना हमने, कोऑर्डिनेट इसके मानने हमें एस फाई जेड, एस कॉमा फाई कॉमा जेड, इस तरह से कोऑर्डिनेट माने हैं पॉइंट पी के, एस कॉमा फाई कॉमा जेड, ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे इसके, ठीक। या फिर आर फाई जेड कर लीजिए, कितने कोऑर्डिनेट मान सकते हैं हम, आर मान सकते हैं कोऑर्डिनेट में, पिछले वाले में चूंकि हमने आर माना था तो इजी पड़ेगा हमारे लिए। तो क्या है पॉइंट पी है आर कॉमा फाई कॉमा जेड, ये है, क्या मान लेंगे हम, आर मान लेंगे, आर कॉमा फाई कॉमा जेड, वैसे हम आर की कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आर कॉमा फाई कॉमा जेड हमने क्या मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, और जेड डायरेक्शन से पॉइंट पी की डिस्टेंस जो है वो कितनी है। अब हम ये वाला नहीं लेंगे सिलेंडर में, ये डिस्टेंस हम लेंगे आर, सिलेंडर की बात चल रही है तो हम क्या लेंगे आर डिस्टेंस ये लेंगे, और ये जो है वेक्टर आर इधर जाएगा हमारा, ठीक। तो हमने पॉइंट पी मान लिया, आर कॉमा फाई कॉमा जेड इसके कोऑर्डिनेट हो गए, वेक्टर आर फॉर्म में इधर निकल जाएगा ये। तो हमने आर डिस्टेंस मान ली कहाँ से, जेड एक्सिस से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, आर हो गई, ठीक है। पॉइंट पी कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है सिलेंड्रिकल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमने एंगल कितना मान लिया पी पॉइंट का, एक्स डायरेक्शन से, एक्स डायरेक्शन से हमने एंगल ले लिया कितना फाई, फाई इक्वल टू एंगल फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से हमने फाई एंगल ले लिया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से हमारी पॉइंट पी की डिस्टेंस आर हो गई, सिंपल सी बात है। आगे हम क्या करने वाले हैं, इसमें आर इक्वल टू, यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमारी वाई डायरेक्शन ये है और एक्स डायरेक्शन ये है, तो आई से दोनों का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे, वाई की दूरी और हम किसकी एक्स की दूरी निकालेंगे, तो वही हमारे पॉइंट लग जाएंगे, मूल बिंदु वाले पॉइंट लग जाएंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई, या फिर हम कौन सा लगा देंगे, ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा आर एक्स वाई, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूंकि ये दोनों, ये तीनों ही जो होती हैं वाई एक्स और जेड, ये तीनों अपने आप में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, जानते ही हैं हम, ठीक है, तीनों अपने आप में, पर आर नहीं होता है परपेंडिकुलर बस इनके, तो इतना कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है इसमें। बाकी जो है हमारा ये इतना हो गया, इतना क्लियर होगा आई होप, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। यहाँ से हम क्या, अगर ये एंगल फाई मान ले हम, तो टेन फाई इक्वल टू निकाल सकते हैं हम, टेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना लंब बटे आधार से, लंब कितना है बाई और आधार कितना है एक्स, टेन फाई इक्वल टू बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, किससे, लंब बटे आधार से बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस वाले डायग्राम से। आगे हम देखते हैं,
इतनी बात हमारे समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब आगे हम क्या करते हैं, सिंपल है, इसका क्या निकालेंगे सबसे पहले, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। ग्रेडियंट के लिए क्या लगाने वाले हैं हम, फॉर्मूला। तो ग्रेडियंट में क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन का निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, एच वन कितना माना था हमने, आर, वन अपॉन एच वन, एच टू, दूसरा हमने कोऑर्डिनेट क्या माना था, दूसरा हमने कोऑर्डिनेट माना है कितना, आर फाइव जेड मानी, आर फाई और कितना माना है हमने, जेड, आर फाई जेड हमने कोऑर्डिनेट माने हैं। ये हमारा हो जाएगा आर फाई जेड, हमने क्या मान रखे हैं, कोऑर्डिनेट मान रखे हैं। आई जे के वेक्टर लग जाएगा यहाँ पे, जे कैप, के कैप और हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा, किसके साथ, वेक्टर ए हम ले लेंगे, आर आई और जेड कोऑर्डिनेट के साथ। तो हमारा कितना आ जाएगा, एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू कितनी थी, एच वन इक्वल टू वन था, एस था और एच थ्री इक्वल टू कितना था, वन लगा देंगे हम, वन लगाएंगे वन ही हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, आई कैप वन अपॉन एस हो जाएगा, एच टू का वैल्यू और ये कितना हो जाएगा, फाइव, एच थ्री का वैल्यू जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा ए जेड। सिंपल है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे सिलेंडर का, ये सिलेंडर का ग्रेडियंट हो गया, ये क्या हो गया सिलेंडर का ग्रेडियंट, ये सिलेंडर का हो गया ग्रेडियंट। ये सिलेंडर का आ गया ग्रेडियंट। अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं ग्रेडियंट के बाद निकालेंगे हम डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या है जनरल, वन अपॉन एच वन एच टू एस थ्री, वन अपॉन कितना माना था कोऑर्डिनेट, आर माना था, एच टू एच थ्री ए वन प्लस का कितना माना था, एस माना था कोऑर्डिनेट, सॉरी फाई, फाई और जेड कितना हो जाएगा, एच थ्री एच वन ए टू कितना माना था कोऑर्डिनेट, जेड माना था, एच वन एच टू ए थ्री, ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, एच वन की वैल्यू कितनी है वन, एच टू की वैल्यू एस और एच थ्री की वैल्यू वन, वैल्यू लगा देंगे कितना आ जाएगा एस, एच टू एच थ्री कितना आ जाएगा एस और ए कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेट कितना था फर्स्ट आर था और ये एस आ जाएगा,
कितना आ जाएगा? दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था? आर फाई जेड, फाई था, और एच थ्री एच वन कितना आ जाएगा? एच थ्री एच वन वन आ जाएगा। कोऑर्डिनेट कितना था? तीसरा कोऑर्डिनेट था जेड, और क्या आ जाएगा हमारा? एच वन एच टू, एच वन एच टू फिर से ऐसा आ जाएगा। ये हो गया हमारा इसका डाइवर्जेंस। आई होप समझ में आ गया होगा डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे निकलता है। हम क्या निकालेंगे? इसका कर्ल निकालेंगे। ये इसका डाइवर्जेंस हो गया है, देख लीजिए। अब हम क्या निकालेंगे? इसका कर्ल फॉर्मूले में पुट कर देंगे डायरेक्ट, बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कर्ल क्या निकाल लेंगे हम इसका? कर्ल का जनरल फॉर्मूला कितना होता है? वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री एच वन आई कैप एच टू जे कैप एच थ्री के कैप विद रेस्पेक्ट टू जो हमने कोऑर्डिनेट माने थे वो हो जाएंगे आर, कितना माना था फाई जेड माना था, और ये एच वन कितना हो जाएगा? एच वन आर हो जाएगा, और एच टू कितना हो जाएगा? ए आर, सॉरी वेक्टर है ना हमारा, एच वन ए आर हो जाएगा, एच टू कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कितना माना? फाई, और एच थ्री कोऑर्डिनेट कितना माना था हमने? ए जेड। ये हो गया जनरल फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है हमारी? एच वन की कितनी है वैल्यू? वन। एच टू की वैल्यू कितनी है? एस। एच थ्री की वैल्यू कितनी है? वन। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, सिंपल हमारा निकल आएगा। वन अपॉन एस, और ये कितना आएगा? आई कैप एस जे कैप के कैप कितना आ जाएगा हमारा? आर वाई कितना माना था? जेड। लास्ट वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? एच वन वन है तो हमारा ए आर आ जाएगा, एच टू हमारा एस है तो ए फाई आ जाएगा, एस ए फाई, एच थ्री हमारा वन है ए जेड आ जाएगा। ये हो गया हमारा कर्ल। ये क्या हो गया दोस्तों? कर्ल। आई होप समझ में आ गया होगा। ये हो गया इसका कर्ल। तो ये है फॉर्मूला, याद कर लेना। फॉर्मूला याद कर लोगे तो बहुत आसानी से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का कर्ल बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। टेबल क्या है? टेबल मैं लिखवा दे रहा हूँ लास्ट में, टेबल लिख लीजिए। कार्टेशियन के लिए और किसके लिए? स्फेरिकल के लिए और किसके लिए? और हमने सिलेंड्रिकल के लिए देखा, तो हम एक नज़र में देख लेते हैं सिलेंड्रिकल के लिए। तीनों चीज़ें एक नज़र में हम देख लेते हैं। कार्टेशियन के लिए हमारा क्या था? डीएल जो था हमारा कार्टेशियन के लिए कितना था हमारा? कार्टेशियन के लिए सिंपल था एच वन, एच टू डी वाई प्लस एच थ्री डी जेड, ये था हमारा। और इसके साथ हमारे क्या थे? एकांक वेक्टर रह गए एच टू डी वाई जे कैप एच थ्री डी जेड के कैप, ये था। इसके लिए क्या था हमारा? एच वन डी, इसमें हमने कोऑर्डिनेट क्या माने थे? कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माने थे। कोऑर्डिनेट स्फीयर में क्या माने थे? आर कॉमा थीटा कॉमा फाई माने थे। कोऑर्डिनेट सिलेंडर में क्या माने थे हमने? आर कॉमा और क्या माना था हमने? फाई और जेड,
ये माना था हमने, कोऑर्डिनेट ये माने थे। अब इसके लिए हम क्या लिख लेंगे फिर, डी आर आई वेक्टर, एकांक वेक्टर प्लस का एच टू, कितना आ जाएगा हमारा, डी थीटा जे प्लस का एच थ्री डी फाइव के यूनिट वेक्टर, और इसके लिए कितना आ जाएगा एच वन डी आर यूनिट वेक्टर प्लस का एच टू डी फाइव यूनिट वेक्टर प्लस का एच थ्री डी जेड यूनिट वेक्टर के। ये हो गए हमारे सिंपल सिंपल फॉर्म में इसकी जो है इक्वेशन हो गई एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, लंबाई के रिगार्डिंग, लेंथ के रिगार्डिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसकी जो लेंथ है, जो कोऑर्डिनेट है, वो हमें पता ही है कितने के, एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू और देख लेते हैं हम। तो एच वन हमारा कितना था तीनों के लिए, एच वन एच टू और एच थ्री, इसके लिए कितने थे, वन 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 थे। इसके लिए कितने थे, वन आर आर साइन थीटा थी वैल्यू। इसके लिए कितनी थी, वन एस वन, ये वैल्यू थी। ये किसकी वैल्यू थी, एच की वैल्यू थी तीनों के लिए, कार्टेशियन के लिए। और एच है क्या एक्चुअल में, ये क्या होता है, जैसे कि कार्टेशियन में हमने क्या ले लिया, ये ले ली रॉड, तो रॉड में लेंथ तो है, लेकिन एच अगर हम लेंगे तो एच इक्वल टू कितना, वन लेंगे। हाइट अगर हम इसकी लेंगे तो वन लेंगे, समझ में आया। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, बाकी ये थ्री डायमेंशनल में सिलेंडर और स्फेरिकल में अप्लाई होती हैं। ये इनका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ से एच की वैल्यू हो जाती है। ये सिंपल है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। एच वन एच टू एच थ्री के वैल्यू ये हैं, इसके लिए एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू ये हैं, ठीक। ये चीज़ क्लियर रखो, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कहीं। डाइवर्जेंस की जनरल इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट की तो हो ही गई, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की जनरल इक्वेशन, वो सब इक्वेशन क्या होंगी, लिखवा दी जाएंगी, वो लिखवा चुका हूँ मैं, सॉरी लिखवा क्या दी जाएंगी, लिखवा चुका हूँ और करवा भी चुका हूँ। टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो गया है। और जब हम इसके स्फेयर के डाइवर्जेंस की बात करते हैं, ग्रेडियंट की सॉरी, तो ग्रेडियंट में ये क्या बन जाती है, वन अपॉन एच वन, वन अपॉन एच वन, वन अपॉन एच टू, वन अपॉन एच थ्री। ग्रेडियंट में क्या बन जाती है, वन अपॉन एच वन, वन अपॉन एच टू, वन अपॉन एच थ्री। तीनों के फॉर्मूले क्या है हमारे, वन अपॉन एच वन आई कैप, वन अपॉन एच टू जे कैप, वन अपॉन एच थ्री के कैप। ये किसका है हमारा, ये हमारा है ग्रेडियंट का। और हमारा डाइवर्जेंस का क्या होता है, कॉमन फॉर्मूला, डाइवर्जेंस का कॉमन फॉर्मूला होता है वन अपॉन, डाइवर्जेंस का कॉमन फॉर्मूला होता है वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री। x की जगह जो भी कोऑर्डिनेट हम मानेंगे, एच टू एच थ्री ए वन। y की जगह जो भी हम कोऑर्डिनेट मानेंगे, एच थ्री एच वन ए टू। z की जगह जो भी हम कोऑर्डिनेट माने, जैसे कि हमने कभी कहीं थीटा माना है, कहीं फाई माना है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ये आ जाती है हमारी, हमारा हमारी जो कॉमन इक्वेशन है वो ये आ गई डाइवर्जेंस के लिए। इसके लिए है ये डाइवर्जेंस के लिए, और हमारी इसके कर्ल के लिए क्या आ जाएगी, कॉमन इक्वेशन वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, कितना हो जाएगा हमारा, एच वन आई कैप एच टू जे कैप एच थ्री के कैप
और कितना आ जाएगा हमारा डेवर एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड और हमारा क्या हो जाएगा एच वन वेक्टर ए एक्स एच टू वेक्टर ए वाई और एच थ्री वेक्टर ए क्या हो जाएगा जेड। सही है दोस्तों ये कंप्लीट है इतना टॉपिक ये क्लियर है। अगर इतनी ही चीज अगर ढंग से पता लग जाए इतनी ही चीज अगर एग्जाम से पहले देख लें तो ये आराम से इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए एच वन एच टू की वैल्यू ये रही एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू कितनी है वन कॉमा वन कॉमा वन और इसके लिए कितनी हो जाएंगी वन कॉमा आर साइन थीटा और इसके लिए कितनी हो जाएंगी वन कॉमा एस कॉमा वन। सिंपल है और कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की जगह कितने हो जाएंगे इसके लिए जो स्फेयर है ये किसके लिए है हमारा ये हमारा कार्टेजियन के लिए हो गया। सॉरी ये अलग चीज है ये कार्टेजियन के लिए है और ये स्फेरिकल के लिए है और ये किसके लिए है सिलेंड्रिकल के लिए है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। ये सिलेंड्रिकल के लिए h1 h2 h3 की वैल्यू है यहाँ पे पुट करोगे कार्टेजियन के लिए वो वैल्यू पुट करोगे तीनों में तो तीनों कार्टेजियन के निकल आएंगे तीनों में स्फेरिकल की वैल्यू पुट कर दोगे h1 h2 h3 की स्फेरिकल के लिए निकल आएगा तीनों में सिलेंड्रिकल की वैल्यू पुट कर दोगे तो सिलेंड्रिकल के लिए निकल आएगा। और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्फीयर के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने थे आर थीटा और फाई क्या होगा ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो गए ठीक है स्फीयर के लिए। और सिलेंडर के लिए कितने हो जाएंगे ये सिलेंडर के लिए कितने हो जाएंगे सिलेंडर के लिए आर कॉमा फाई कॉमा जेड ये हो जाएंगे क्या है ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जगह हम ये रख सकते हैं और इसमें तो एक्स वाई जेड लेते ही हैं हम क्या लेते हैं इसमें एक्स वाई जेड इसमें तो एक्स वाई जेड लेते ही हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। तो वो वैल्यू जब इन तीनों इक्वेशंस में पुट की जाएंगी तो कार्टेशियन के लिए तीनों ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल निकल आएगा स्फेरिकल की पुट करेंगे स्फेरिकल के लिए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल निकल आएगा सिलेंड्रिकल की पुट करेंगे सिलेंडर के लिए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल निकल आएगा। सिंपल सी बात है इतनी सी होती है केवल और फंक्शन एफ लग जाता है स्केलर फंक्शन है ये ग्रेडियंट में स्केलर फंक्शन आ जाता है ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। यहीं पे हम विराम देते हैं अपने लेक्चर को लेक्चर कंप्लीट हो चुका है आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन इसमें होगा नहीं इस तरह से अगर करेंगे तो पूरा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा टेबल बहुत इजी है लर्न करना। थैंक यू नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को चैनल का नाम है पेपर हैकर। शुक्रिया।